हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए एक 2024 का इंग्लिश का एक प्रकार का वायरल पेपर है। आज आप सभी को क्लास 10 में जो सेंट्रल आइडिया आता है, ये आपके पेपर में 100% हर साल पूछा जाता है। और यहाँ पे आप सभी को डस्ट ऑफ स्नो, फायर ऑफ आइस और ए टाइगर इन द जू, आपको सिर्फ ये तीन सेंट्रल आइडिया आप पढ़ लीजिए। इसके बाहर आपका सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको पेपर में दिखाते हैं कि ये आपके हर साल पेपर पूछता है, ठीक है। इस प्रकार से पेपर देख लीजिए, इसका संपूर्ण हल आप सभी को कराएंगे, लेकिन यहाँ पे आप सभी को सेंट्रल आइडिया कराने वाले हैं। देखिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स में देना रहता है। ये 3 नंबर का रहता है, इस प्रकार से देगा। यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये 3 सेंट्रल आइडिया बोल रहे हैं, इसके बाहर आपका ये सेंट्रल आइडिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाले हैं, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। देखिए, इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, आपको तीनों सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, तो इसको एक जगह लिख लीजिए, लिख के इसको याद करने का प्रयास कीजिए। अभी आपका 4 मार्च को एग्ज़ाम है, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो का हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, बहुत संक्षिप्त में लिखें, कम से कम शब्दों में लिखा गया है, जिसे आपको याद करने में परेशानी ना हो। देखिए, आपको क्या है कि द पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, ठीक है। द पोएट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द, फिर इसके बाद आप लोगों को लिखना है स्नो फॉल्स विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्राम बींग वेस्टेड अवे फुल स्टॉप द क्रॉस सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्राम द हेमलॉक ट्री द सेम वे वन कैन सेक ऑफ द सैंडनेस फ्राम वंस हर्ट। यानी इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंट्रल आइडिया को देखिए, 2-3-4 लाइन में आपको बता दी सेंट्रल आइडिया ना, डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंट्रल आइडिया, बस इतने लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए कि आपका पेपर में 40 से 50 वर्ड का ही लिखना रहता है, ये 40 से 50 वर्ड से ज़्यादा शब्द रहते हैं ना, तो इसको बस आप याद कर लिए। डस्ट ऑफ स्नो आपके पेपर में 100% आपके 4 मार्च के इंग्लिश के पेपर में सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा, ठीक है। एक तो ये था, चलिए अगला बात कर लेते हैं। एक तो डस्ट ऑफ स्नो का बताएं, इसको एक बार लिख लीजिए, एक बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला आपको बता देते हैं फायर ऑफ आइस, इसको भी आपको याद करना है। देखिए, अब यहाँ पे आप फायर ऑफ आइस का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखिए कितना संक्षेप में लिखा गया, आप यदि किताब से चले जाएंगे पढ़ने या अवतार या किसी से और सीरीज से लेंगे तो बहुत ये बड़ा दिया गया है, जिसे आपको याद करने में परेशानी होगा। इसीलिए आप सभी को बहुत संक्षिप्त में यहाँ बताया गया है, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, लिखेंगे द पोएट हैज ट्राइड ऑफ ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स of people according to the poet the world can perish by fire and also by ice full stop thus it can perish twice one by fire and then by ice the poet feels that the ice of heart is as powerful as the fire of desire, ठीक है। टू ब्रिंग कम्प्लीट एंड ऑफ दिस वर्ड्स, बस इतना लिख लीजिए। यदि फायर ऑफ आइस पे आता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, सिर्फ इतना लिखेंगे। जो इसके पहले बताए हैं आप सभी को, डस्ट ऑफ स्नो का था, यदि डस्ट ऑफ स्नो का रहेगा तो जो पहले बताए वो लिखिएगा, यदि फायर ऑफ आइस का रहेगा तो ये लिखिएगा, ठीक है। देखिए, आपको ये भी बता चुके, इन दोनों को याद कर लीजिए, इसके साथ में एक्स्ट्रा एक याद कर लीजिए। आपको पेपर में देखिए इन दोनों में से एक जरूर मिल जाएगा, सिर्फ यही तो याद रहेगा ना, कि इन दोनों में से एक आपको सेंट्रल आईडी 100% आपको 101% की गारंटी देते हैं कि सिर्फ आप डस्ट ऑफ स्नो और फायर ऑफ आइस, इन दोनों में से ही एक आपको सेंट्रल आईडी जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बता देते हैं,
तीसरा ये भी आप याद कर लीजिए। तो अब तीनों में से 101% बना लीजिए आप, अदम 100% गारंटी देते हैं ना कि ये आएगा। चलिए आपको ए टाइगर इन द जू को भी आपको बता देते हैं, बहुत संक्षिप्त में लिखा गया है फ्रेंड्स। आप यदि किताब से पढ़ने जाएंगे, सेंट्रल आइडिया याद करेंगे तो बहुत आपको लॉन्ग मिलेगा जो आप छोड़ देंगे, लेकिन आपको बहुत संक्षिप्त में 4 लाइन 5 लाइन में ये सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया गया है, जिससे आपको बहुत सुविधा हो याद करने में, ठीक है। अब देखिए टाइगर इन द जू पे सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे आप, लिखिएगा इन दिस पोयम द पोएट इज ट्राइंग टू कंटेक्ट एल टाइट इन द जू विथ, ठीक है, द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिट चल इन ऑर्डर टू शो द कंट्रैडिक्शन द पोएट शिफ्ट्स द सेंस फ्रॉम द जंगल टू द जू द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे एक बार लिख लीजिए, तीन सेंट्रल आइडिया बताए हैं, तीन सेंट्रल आइडिया में से आपको सिर्फ दो, यदि आपको सिर्फ ये दो भी याद है इन दोनों में से एक आपको मिल जाएगा, इसलिए कि आपके पेपर में तीन सेंट्रल आइडिया देता है, तीन सेंट्रल आइडिया में से सिर्फ केवल व केवल एक ही सेंट्रल आइडिया लिखना रहता है। जो यहाँ पे आपको बताए हैं इस सेंट्रल आइडिया को आप लिख लीजिए एक बार और आप इन दोनों को याद करके चले जाइए, आपका 3 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया जो लिखा जाता है आपको तरीका बता दिए हैं, आप उसे लिख के पढ़ के चले जाइए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।